हाय ब्रेन, वेलकम टू लर्निंग टू द। आज हम डिस्कशन करवा कंप्यूटर किसी एमसीक्यू जोटा कि जूनियर टीचर एसएसबी टीजीटी और आगक जो आम टीचिंग एग्जाम आसमी एलटीआर से सब हेल्पफुल हम। फर्स्ट क्वेश्चन कह द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। कह के प्रोसेस रे आम इंटरनेट रे जो गोटे फाइल अच्छे से आम कंप्यूटर को ट्रांसफर करते हैं कौन कह जाए अपलोड डाउनलोड फॉर्मेट हेल्प तो कौन कहा जो आम कंप्यूटर गोटे फाइल को आम फाइल को कमी आणुच्च डाउनलोड द्वारा कौन सी भी म्यूजिक तुम इंटरनेट रू डाउनलोड कर कौन से वीडियो सैटा तुम निज कंप्यूटर बा फोन को आणुच डाउनलोड द्वारा तो करेक्ट आंसर है डाउनलोड। नेक्स्ट कह ईपी रोम ट्रांसफर ईपी रोम फुल फॉर्म पचार इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिएक्ट ओनली मेमोरी इरेजेबल प्रिंट रीड ओनली मेमोरी इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम फुल फॉर्म कौन ईपी रोम फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तुम फर्स्ट ऑप्शन रहा है राइट आंसर। नेक्स्ट कह फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू सीपीयू रो फुल फॉर्म कौन सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कॉल प्रोसेसिंग यूनिट सर्कल प्रोसेस यूनिट कंप्यूटर प्रोसेस यूनिट। सीपीयू रो फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एटा आम फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट आंसर। ओके सीपीयू रे जहाँ भी आम इनपुट दौरान कीबोर्ड सामें इनपुट देटा सीपीयू रे डाटा प्रोसेस करके आउटपुट हिसाब से आमको स्क्रीन रे शो कर कंप्यूटर स्क्रीन रे। सीपीयूटा मेनली कौन जहाँ भी आम डाटा दौरान प्रोसेसींग करा कहते सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट कहे हुईज फादर ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर फादर क्या कहु चार्ल्स बैबेज चार्ल्स डार्विन भाइगोत्स्की जीन पियाजेट। कंप्यूटर फादर क्या कहु चार्ल्स बैबेज को कहु फादर ऑफ कंप्यूटर तो आम करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कहे कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स हुईज लांगुएज कह कंप्यूटर कौ लांगुएज को अंडरस्टैंड करता है कि आम लांगुएज को व्यवहार करें जहाँ भी कम्युनिकेट करने चाहते अन्य लोकों सहित बा कंप्यूटर सहित आम जहाँ भी कम्युनिकेट करने चाहते तापाई गोटे लांगुएज दरकार जहाँद्वारा कि आम एक्सप्रेस करम थट रू तो सेमती कंप्यूटर को कौच कि कंप्यूटर कौ लांगुएज द्वारा अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर में आम कमी इनफर्मेसन देने आमको आउटपुट मिलता है हिंदी लांगुएज संस्कृत लांगुएज बाइनरी लैंग्वेज सी लैंग्वेज। करेक्ट आंसर है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज को आम यूज करता कंप्यूटर सहित कम्युनिकेट करने लैंग्वेज को यूज करता कंप्यूटर को यूज करने। ओके ये वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड कुछ वेबसाइट मेन पेज को कौन कह जाए वेबसाइट कौन बहुत सारा पेज थाए बहुत सारा पेज को ही नहीं कि गोटे वेबसाइट तैयारी हुए सेमती कह होम पेज सर्च पेज ब्राउज पेज नॉन ऑफ दिस कोटा करेक्ट आंसर। वेबसाइट मेन पेज को आम कौन कहते ताको होम पेज कहते होम पेज रे जेतक भी सब होम पेज रु ही हमें सब अलग अलग पेज को जापारती इजिली कौन भी वेबसाइट रे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर बिट बाइट केबी बाइट्स कौच कि सबुठ छोट एकक कंप्यूटर कौन डाटापी यूज करा कौन बिट बिट है सबुठ स्मॉलेस्ट यूनिट कंप्यूटर डाटापी आम यूज करती। ओके नेक्स्ट कह सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट गोटे डॉक्यूमेंट रे जितेक भी किसी लेखा अच्छे टेक्स्ट अच्छे तो आम जो सिलेक्ट करने चाहते तो आम कौन क्लिक कर था कंट्रोल प्लस एस कंट्रोल प्लस ए शिफ्ट प्लस ए कंट्रोल प्लस ए जब आम गोटे एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करती तब आम कौन क्लिक करती कंट्रोल ए कंट्रोल ए सिलेक्ट कले सिलेक्ट ऑल हो जाए डॉक्यूमेंट रे जितेक भी टेक्स्ट अच्छे जहाँ भी अच्छे सब गुडाक इमेज अच्छी सबको से सिलेक्ट करे ये कहते कि कंट्रोल ए यूज करती आम एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने। ए डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ हार्ड डिस्क आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस ऑप्टिकल डिस्क कुछ कि डीवीडी गोटे उदाहरण कहार हार्ड डिस्क रो ना आउटपुट डिवाइस ना इनपुट डिवाइस ना ऑप्टिकल डिस्क डीवीडीटा गोटे उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क रो तो आम करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर। नेक्स्ट कहे कि ए पर्सन हु यूजेस अदर पीपल्स कंप्यूटर्स टू गेट इनफर्मेशन इलीगली और डू डैमेज इज ए कुछ जो लोक अन्य लोकर कंप्यूटर को व्यवहार करता इनफर्मेसन को इलीगली आने कि कौन से डैमेज करने तो कौन कह जाए हैकर स्पैमर प्रोग्रामर एनालिस्ट तो कौन कह जाए हैकर ऑप्शन वन है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहे तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज कुछ कि गोटे समय दुई रु अधिक प्रोग्राम को एका समय प्रोसेस करवा। ओके मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा तो कौन कह जाए मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी टास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग नॉन ऑफ दिस तो कौन कह जाए मल्टी प्रोसेसिंग कह जाए साइमल्टेनियसली माने एका समय दुई रु अधिक प्रोग्राम को मल्टी प्रोसेसर द्वारा
प्रोसेस करिया कोन कहो छि मल्टी प्रोसेसिंग। ओके नेक्स्ट कहि छि अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इनफॉरमेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। कुछ कौन से भी लोक तुम्हारे कॉन्फिडेंशियल जितेक भी गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन अच्छे तार आइडेंटिटी को फॉल्स करके तुमठू जदि से इनफॉरमेशन आवा चाहिए तो कौन कहा हैकर स्पैमर फिशिंग वायरसेस कौन कहा फिशिंग कहुचे। ओके जितेक भी कॉन्फिडेंशियल इनफॉरमेशन तुम रोचे जदि के भी लोक तार निज आइडेंटिटी को फॉल्स देखी मानने जोटा तार ट्रू आइडेंटिटी नुह निज आइडेंटिटी को न देखे अगर किसी आइडेंटिटी देखी तुम कॉन्फिडेंशियल इनफॉरमेशन रोज से कहुचे कौन कहुचे फिशिंग कहुचे। ओके नेक्स्ट होचे। ओके आज जितेक एमसी क्यू आउ गोटे भिड डिस्कसन करवा जब आज भिडियोटे हेल्पफुल तो भिडियो लाइक करेंगे या पूर्व अन्य भी कंप्यूटर एमसी क्यू अच्छी तार भिड चैनल प्ले लिस्ट चेक करेंगे कंप्यूटर प्ले लिस्ट कि भिड डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे कि स्क्रीन में जी आसो तो चेक करेंगे जब भिड हेल्पफुल भिड लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना तो करेंगे बेल आइकन में प्रेस कले नुआ भिड आसे तार नोटिफिकेशन मिल जाव आपको जहाँ भी दरकार अच्छे से भिड को शेयर करके थैंक यू थैंक्स फॉर लिसनिंग।